आज सुबह लेट जागने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आता हूँ और अपने पापा जी से आशीर्वाद लेता हूँ और फिर मम्मी जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ पर अपनी छोटी बहन पलक को आशीर्वाद देता हूँ। और थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा था कि मैं कुछ इंपोर्टेंट काम भूल रहा हूँ और वो काम होता है मेरा कॉलेज जाना। कल मनप्रीत का मेरे पास फोन आया था और मनप्रीत मुझसे कह रहा था कि तुझे एक अपडेट देनी है और वो अपडेट मैं जब दूंगा जब तू कॉलेज आएगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आज कॉलेज जाने का डिसाइड करता हूँ। मम्मी जी जल्दी से खाना बना दो, आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज। कितने दिन इतने पूरा होते झूठा। अरे कॉलेज जा रहा हूँ, वास्तव में खाना बना दो, लेट जाऊंगा। कल गए हो तू तो? कल मैं गया था पर मैं लौट आया था रास्ते में से, आज लौट के नहीं आऊंगा, मेरे लिए खाना बना दो बस। तैयार है नहा दो कर चल। ओके जब तक मम्मी जी खाना बना रही हैं मैं नहा धोके तैयार हो जाता हूँ क्योंकि कल मैं लेट हो गया था, आधे रास्ते से लौट आया था, तो आज मैं लेट होना नहीं चाहता और आज मैं कॉलेज थोड़ा जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। और कल मनप्रीत को मैंने कॉलेज बुला लिया था पर मैं नहीं गया था, तो वो भी ऐसे थोड़ा गुस्सा था बैठा है कि तू मुझे बुला लेता है आता नहीं है ऐसे करके, तो थोड़ा मुझे जल्दी जाना है यार। खाना पीना बन गया है, इसे खाते हैं और जल्दी से कॉलेज के लिए निकलते हैं क्योंकि हमें लेट नहीं होना। खाना खाकर बैग उठाकर और अपने कॉलेज की कर्मचारियों जैसी ड्रेस पहनकर मैं कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ। और कॉलेज जाने से पहले मैं पापा जी से आशीर्वाद लेता हूँ और कॉलेज जाने से पहले पापा जी मेरी जेब भारी कर देते हैं, पैसे देने के बाद हेलमेट देते हैं जो कि बहुत जरूरी है। और भाई कैसे? बढ़िया, मुझे लगा तू आएगा नहीं भाई। तू समय देख, पहले तू समय देख, क्या समय हो रहा है? 11 कॉलेज कितने बजे का होता है? 10:15। हाँ तो भाई तुमने कॉलेज आके क्या खा लिया फिर? कुछ नहीं, बस इंतजार कर रहे थे तेरा। अच्छा आया, चल चल तू। और भैया राम राम। राम राम। काई पार्टी चाहिए तुम्हें? पार्टी वही वाली चाहिए, पार्टी जो होनी चाहिए, जो पार्टी आपकी कितने सब्सक्राइबर हो गए आपने बताई भी नहीं हमें। भाई तुम्हें पता चल गया, इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है? पार्टी चाहिए ना। काई पार्टी क्या चाहिए तुम्हें पार्टी में? जो आपकी इच्छा हो। जोहा केसरी? जोहा केसरी। चलो हम तुम्हें भी पार्टी देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो जल्दी दीजिए, आप इतने दिनों वाले तो कॉलेज आए हो, कहाँ छुपे पड़े थे मतलब? तो ये बताएं, घर पे ही था मैं, याद आ रही थी क्या तुम्हें मेरी? पार्टी के लिए याद आ रही थी, वैसे याद नहीं आती है। याद नहीं, मैंने देखा मनप्रीत को आज, मैंने मनप्रीत से कहूँ, मैंने कि ये है कहाँ? और भैया को पार्टी देंगे विमल वाली। भैया विमल वाली आई। चलो ठीक है, मिलता हूँ फिर तुम्हें कभी कॉलेज से ना, पढ़े आऊंगे बहुत। तो मनप्रीत हम कॉलेज आए तो एक तो क्लास लेना तो बनता है। हाँ यार अभी समय भी ले लेते हैं। हाँ चलो क्लास हो रही है हमारी। ये हमारे मनप्रीत पा जी हैं जो मुझे एग्जाम्स के टाइम पे ये बताते हैं कि हाँ ये फंसेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मनप्रीत पाजी बताओ मुझे कौन सी वो अपडेट थी जो तुम मुझे कल शाम को नहीं दे पाए थे? भाई वो कुछ ऐसी थी, इसको देख के तुम्हें दिल का दौरा भी आ सकता है। ऐसी भाई ऐसी क्या अपडेट है भाई? मुझे दिल का दौरा नहीं आना, मुझे बताओ फिर वो अपडेट। चलो बताओ वो मजाक वाली बात यार। मतलब वो होता है ना कि दिवाली के बाद में एग्जाम्स टाइम एक बात दिखा दी, वही वाला सीन हुआ हम लोगों के साथ। एग्जाम्स आए हैं, एग्जाम्स मतलब आ भी गए, आ गए दोस्तों। हमारे पास में नोवेल्स भी नहीं है दोस्तों, हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है कि हमारे एग्जाम्स आ गए और हमारे पास नोवेल्स तो छोड़ो, तुझे तू चल ये बता दे हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के नाम बता। बता हमारे पास ऐसे क्लासें ली नहीं तो हमें पता कहाँ से? देखो दोस्तों मेरे को पता है 5 सब्जेक्ट हैं हमारी, उनमें से एक है मैथ, जिसमें से स्टैटिक्स, एक है आगे बता तो रहा हूँ भाई, डाटा मैनेजमेंट ऐसे करके कुछ है, तो ऐसे करके हमारे 5 सब्जेक्ट है। तो हमारे पास 5 की नोवेल नहीं है, तो हम अगर हमें पास होना है तो हमें वो नोवेल चाहिए पास होने के लिए, है कि नहीं? जाना पड़ेगा तो हमें वो नोवेल लेने भी जाना पड़ेगा, पर पास कैसे होना ये अभी हम एक दूसरे देखेंगे राम बार चलाएंगे, कुछ करेंगे। चलो और लोगों से पूछते हैं उनकी एग्जाम्स की कैसी तैयारी है। चलो हमारी तो बहुत बेकार है, हमारी मत उम्मीद रखना, हमें सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता है, वैसे पता होने चाहिए थे, ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। आप सभी से एक बात पूछनी थी मुझे, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा हमारे दिवाली के बाद एग्जाम आने वाले हैं, तो कैसी तैयारी है सभी की? बेहतरीन सब्जेक्ट के नाम बताइए 5 के। ये क्या
देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे। मुझे ये भी नहीं पता मेरी क्लास कौन सी है, मुझसे तो पूछना मत टीचर कौन कौन है हमारे में। दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे जो क्लासमेट है या हम भी है वो हमसे भी गाई गुजरे हैं। हमें ये तो पता है कम से कम के 5 सब्जेक्ट है, मुझे 2 भी पता थे। टीचर है एटलीस्ट हमें ये भी पता है। हाँ तो चलो मैं और मन भी चलते नोवेल वगैरह लेने। रोमी अमित तीसरा बंदा फायदा भी क्या है, बच्चे नहीं दिख रहे, देखना कोई बच्चा है ही नहीं। हाँ वो देख रहा हूँ। चलो ठीक है, जरूर आज तुम केसर लेके जाओगे, आज केसर लेके जाओगे। केसर चाहिए तो भैया, बिमल विमल मत खाया करो तुम। मैं कहाँ खाता हूँ बिमल। तो तुम कहते हो बिमल की पार्टी केसर वाली। अरे मैं कहा केसर बादाम की बात, केसर बादाम मतलब दूध की बात हो रही थी। अच्छा दूध की बात हो रही थी। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने लिए नोवल वगैरह लेने, तो चले मन पे। चलो भाई है आगे भैया बताओ। अरे 20 थर्ड सेमेस्टर की सारी नोवल दे दो जितनी भी है, मतलब ऐसे हम 5 ही होंगे, 5 ही दे दो। अभी हमने अपनी क्वेश्चन बैंक वगैरह ले लिए, अब मनप्रीत कह रहा है कि इतने दिन बाद मिले हैं तो क्यों ना मूवी देख ली जाए। तो मूवी लगी टाइगर 3। तो मूवी देखने जा रहे हैं, पर एक चैलेंज लेके जा रहे हैं साथ में, जो होने वाला है कि हम थिएटर में घुसेंगे चिप्स और पेप्सी लेके, मतलब अपने बैग में रख के ले जाएंगे, देखते हैं अंदर जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी। चलो चलो पहले चिप्स वगैरह खरीदते हैं। फिर भैया 2 कुरकुरे की पैकेट दे दो, 2 पेप्सी दे दो। बीचो बीच थोड़ी आड़ी करके हाँ रख दे। कुरकुरे और पेप्सी लेने के बाद हम थिएटर आके मूवी की टिकट लेते हैं। चल जल्दी कर, जल्दी कर, 15 मिनट की मूवी निकल चुकी है भाई। पर अंदर जाने से पहले मुझे हल्का सा डर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले मैंने ये वाली चीज कभी ट्राई नहीं की। तो जैसे ही मनप्रीत चेक होता है मुझे डर लग रहा था ये पकड़ा ना जाए, पर ये निकल जाता है। फिर बारी आती है मेरी और ये भैया मुझसे बस ये पूछते हैं कि बैग में कुछ है तो नहीं। फिर मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि मेरे बैग में तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों हमारा जो चैलेंज था वो मतलब पास हो गया, हम अंदर ले आए काफी चीजें। अभी इंटरवल हो चुका है पर हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम खाने पीने का सामान अपने साथ ही लेके आए हैं। तो चलो मनप्रीत निकालो कुरकुरे, हम निकालते हैं कोल्ड ड्रिंक। भाई क्या ऑर्डर रहा है? वैसे हम और भी खाने पीने का ला सकते थे अंदर, इतनी ज़्यादा हैवी चेकिंग नहीं हुई, अगली बार ट्राई करते हैं। ये तो हमने फर्स्ट टाइम ही देखा था कि अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट टाइम कुछ ज़्यादा लाएंगे, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लाएंगे, पहले जो लाएँ उसे इन्जॉय करते हैं। ठीक है मनप्रीत, मैं चलता हूँ अपने घर पे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तब बता दियो मुझे, ठीक है? चलो तो ठीक है भाई। अभी मैं कॉलेज से आया ही हूँ कि मेरे पास देखो कौन आया है। ठेस बुद्धि, ये ठेस बुद्धि जो कर रहा है वे डूडू डूडू। हाँ तो आप कीप इट अप करते रहिए डूडू डूडू डूडू। क्या कर रहे हो तुम? डूडू डूडू डूडू। तो ठेस बुद्धि आप डूडू कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर हमारे पास एक बहुत ही बड़ी दुविधा आ चुकी है। क्या? दिवाली के बाद क्या होता है? दिवाली के बाद क्या होता है? हाँ तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम पढ़ने नहीं जाते हो, कॉलेज वाले नहीं। कॉलेज होता है, कॉलेज होता है। तो दिवाली के बाद कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, उनके एग्जाम आ जाते हैं। तो एग्जाम मेरे भी आ गए हैं और मैंने पढ़ा कुछ नहीं है। बात तो सुन ले पहले पूरी। हाँ भाई। हाँ तो आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन बैंक। तो मुझे तुम ये सलाह दो कि एग्जाम से 10 दिन पहले अपना सिलेबस कैसे खत्म करें। मैं पूछ भी तो किसे रहा हूँ बुद्धि से, जो कभी स्कूल ढंग से नहीं गया कॉलेज, तो दूर की बात है। स्कूल जाता था 40 दिन बाद। हाँ तो 40 दिन बाद जाता था। चलो छोड़ो, है बहुत बात लंबी हो रही है, अभी मेरा समय है जिम जाने का, तो हम जिम जाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी जिम। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, हूँ भैया से मिलते हैं। और भैया क्या है? बढ़िया। आज क्या कराना है तुम्हें? आज हम करेंगे बाइसेप ट्राइसेप। तो हमारी जिम में एक नई चीज आई है जिसपे वार्म अप करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर ये वार्म अप करने के बाद उहू भैया मुझे एक्सरसाइज बताते हैं, और एक्सरसाइज बताने के बाद एक्सरसाइज पूछने के बाद मैं पूरी लगन से अपनी एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ।
भैया जी फिर हम चलते हैं। बाय। मेरी एक्सरसाइज तो खत्म हो चुकी है और मैं अभी घर जा रहा हूँ, और आज मुझे जाना है अपने ट्यूशन वाले भैया के पास, क्योंकि अब वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरे 10 दिन पहले सिलेबस खत्म कराने में मदद करेंगे। अब वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरी नैया पार लाएंगे डूबने से। तो उनके आज मैं पास चलता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि भैया मेरे साथ ये दुविधा है, मेरे सिलेबस खत्म कराई 10 दिन पहले, तो देखते हैं क्या होता है। पायल मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी बाहर गई हैं। अच्छा चलो ठीक है। आज कहाँ जा रहे हैं तुम? मैं जा रहा हूँ पढ़ने विष्णु यहाँ पे। ओ भैया कितने सूरज निकलो आज पढ़ने को ध्यान आएगा। कितने सूरज भाई? सूरज निकलता ईस्ट से, पूरब से नहीं, आज तो जरूर कहीं और से निकला है। अच्छा जो कि तुम पढ़ने जा रहे हो। अभी भी हमें बायो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे ले पागल सी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे लो सब, तुम भी दे लो। हम तो दे रहे हैं, देख हम तो जा रहे हैं अपनी किताब कॉपियों को लेके, तुम अपना सोचो। मैं तो अपना सोचती रहती हूँ। हम तो 10 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। पेपर आ रहे हो जरूर, जब ही हो सा रहा पढ़ा लिखा कुछ जाता नहीं है। तू जा यार, तू तो बचा करो कौन तू रहने मत जाएगी तू वैसे ही और का वैसे ही पढ़ जाऊंगी मैं। ये बहुत ही ज्यादा पागल लड़की है, इसे कुछ नहीं आता, बीमार सी। वही मैं आ चुका हूँ अपने ट्यूशन वाले भैया के घर। भैया जी राम राम। आज जानते आएगा भाई तू है घर पे? बहुत दिन बाद आ जाओ तू। वो एक दुविधा रखी है मेरे ऊपर जिसे बस आप ही उठा सकते हो। जा मैं सुधर जा, मैं पढ़ाई ना रोको यार। भैया मेरे पेपर हैं 10 दिन बाद। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, तू मेरे साथ तभी आता हो जब तू जरूरत पड़ती है। भागे यहां पे मैं पढ़ा रहा। तो भाई एक बात बताओ, मेरी डूबती कश्ती को किनारे लगाइए ना। जा भाग गया तू यहां पे मुंह मत के कछु। अरे भैया सुनो तो सही, पार्टी पे पे पार्टी पार्टी मिलनी चाहिए, बढ़िया ध्यान रखियो। पार्टी मिलेगी बढ़िया ध्यान रखूंगा। और नहीं बस आप संभालिए इसको, हमारे सिलेबस को संभालिए। ये स्टैटिक्स मैथ बस इतना ही है। आ जाएगी सर। कितने दिन में हो जाएगी? अब सिलेबस देख रहा हूं तभी तो बताऊंगा मैं। ओके सर पास हो जाना चाहिए मैं। पास आ जा बचा। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ तेरे पास नंबर। तो भैया जी आपने अभी सारी एनालिसिस कर ली है तो कर ली है भाई, अब क्या हो सकता है वो? अरे तू पास है वो यार, टेंशन छोड़ रहा तू जा। हैं पास आ जाओ। पास हो जाऊंगा ठीक है, देख रहे हैं। चलो पार्टी डन, पार्टी डन। तो चलिए भैया जी अब हम चलते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे कल। चला जा भाई चला जा, ध्यान रखना अपना, हम भी अपना रखेंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, भैया जी ने मेरी जिम्मेदारी उठा ली है पास करने की। तो मिलते हैं किसी और मजेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।